पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद की सामाजिक संस्था तहजीब एवं लाडली फाउंडेशन के बैनर तले लगातार समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए काम किए जा रहे हैं। रविवार को मुरादाबाद शहर के जिगर कॉलोनी रोड स्थित चाइल्ड लाइन के कार्यालय पर बच्चों के लिए निशुल्क खेल खिलौनों की व्यवस्था की गई, जिसका शुभारंभ नगर विधायक रितेश गुप्ता की पत्नी अल्पना रितेश गुप्ता द्वारा किया गया। इस मौके पर अल्पना रितेश गुप्ता ने संस्थापक द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। साथ ही उन्होंने यह कहा कि तहजीब संस्था द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। चाइल्ड लाइन कार्यालय पर बच्चे यहां पर पहुंचते हैं और उनके रख रखाव की व्यवस्था भी की जाती है, और ऐसे में उनके खेल खिलौने मिल जाएं तो फिर क्या बात है। ये व्यवस्था तहजीब संस्था द्वारा की गई है। संस्था के अध्यक्ष आरती गुप्ता का कहना है कि हम समय समय पर समाज में जागरूकता फैलाने के लिए समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेने के लिए काम करते रहते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर आज ये कार्य किया गया है। खिलौनों का जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर आरती जी ने दिया है। जिन लोगों के पास खिलौने वेस्ट पड़े हैं या जो जिनके काम में नहीं आते हैं उनको यहाँ पर हम डोनेशन कर सकते हैं, और ये उन लोगों तक पहुँचा सकते हैं जिनको खिलौनों की ज़रूरत होती है, जिनको खिलौने नहीं मिल पाते हैं, जो मजबूर होते हैं और जो खरीद नहीं पाते हैं, जिनके पास धन की कमी होती है, उन लोगों तक ये लोग लाडली संस्था उसकी पूर्ति करेगी। आरती जी ने तहजीब संस्था की जो संस्थापिका हैं उन्होंने ये बहुत ही अच्छा कार्य शुरू किया है, उसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। आगे भी वो समाज में इस तरह के कार्य करती रहें, मेरी यही कामना है। धन्यवाद। भारत माता जी। थ्री मिनट स्माइली टॉय बैंक जो कम भाग्यशाली हमारे जो बच्चे हैं जहाँ तक जरूरतें नहीं बहुत पहुँच पाती हैं। और श्रद्धा शर्मा जी चाइल्ड हेल्पलाइन से हैं। सार्ट आपका एक एसोसिएशन है जिसके तहत बच्चे रेस्क्यू किए जाते हैं, जो 1098 पे और इनके ऑफिस में रेस्क्यू किए जाते हैं। ये एक जरूरत थी कि बच्चे रात भर रुके, संभल नहीं पा रहे हैं, कुछ उन्हें खिलौने या टॉयज होने चाहिए। ये कंसेप्ट हमारी पूरी संस्था ने, हम सब ने मिलकर यहाँ पे ड्रीम एंड स्माइल टॉय बैंक यहाँ पे खुलवाया है। ये शुरुआत है, भविष्य में मैं चाहती हूँ कि लोग जागरूक हों, संवेदनशील हों और ऐसे बच्चों की मदद के लिए आगे आए, इसके लिए हमने ये ड्रीम एंड स्माइल टॉय बैंक यहाँ पर ओपन करवाया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ श्रद्धा जी की उन्होंने ये मौका दिया हमें, अल्पना मैम का जिन्होंने आगे ब्लेस किया, DPO सर ने हमें बहुत सारी आज बहुत अच्छी जानकारियां दी हैं जिसके हम आगे चल के जिनका हम लाभ उठाएंगे और लोगों को बताएंगे इसके बारे में।